हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ दम आलू, जो कि मैं बिना टमाटर के साथ बनाऊंगी इसे। और इसके साथ मैंने बनाया है चावल, ये मैंने बनाया है लंच में। बेटे का आने का समय हो गया, इसलिए मैंने बनाए हैं, उसे बहुत पसंद है। इसके लिए लिए मैंने 5 से 6 उबले हुए आलू। आलू मैंने पहले ही उबाल के रख लिए थे। जब भी आप ऐसी कोई सब्ज़ी बनाएं तो आलू पहले से उबाल लें। फिर मैंने लिया है सरसों का तेल। तेल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें एक एक करके मैं अपने आलू फ्राई करूँगी। और ये देखिए, साइड में मैं चावल बना रही हूँ, ये मैं माड़ वाला चावल बना रही हूँ, उसका एक्स्ट्रा पानी मैं निकाल दूँगी। और इसके लिए मैं करूँगी कुछ मसाले तैयार। मैंने लिए कसूरी मेथी, राई ली है, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और 2 बड़े प्याज। और ये आलू मेरे अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, इन्हें चाहें तो आप ऐसे भी मसाले के साथ खा सकते हैं। अब मैं डालूंगी बचे हुए तेल में जीरा, सूखी लाल मिर्च, तेज़पत्ता और जो हमने मसाला भूजा है हम वो डालेंगे। मसाला हमारे साइड में भूज रहा है, हम एक मसाला और तैयार करेंगे। इसे मैं बना रही हूँ दही के साथ, टमाटर मैं यूज़ नहीं करूँगी। इसके लिए लिए मैंने आधी कटोरी दही। इसमें डालूँगी धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और मैं अपने प्याज में डालूँगी स्वाद के अनुसार नमक, ताकि ये मसाला हमारा और अच्छे से भुज जाए। फिर मैं इसमें डालूँगी 1/2 चम्मच जीरा पाउडर। और ये रख दिया है मैंने टमाटर साइड में। अब बस टमाटर आप देख सकते हैं, यूज़ तो बहुत ही कम होता है। अब मैं इसमें अपना डालूंगी वो पेस्ट जो मैंने दही का तैयार किया था, और थोड़ा सा डालूंगी मैं पानी। गैस हमें बिल्कुल कम रखनी है, क्योंकि दही के साथ ये मसाला फट सकता है। अब हम इसे ढककर 1 से 2 मिनट पका लेंगे। और ये देखिए, हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है। जब ये तेल छोड़ दे तो आप समझ जाइए कि ये मसाला तैयार हो चुका है। अब मैं डालूंगी अपने आलू और 1/2 ग्लास इसमें डालूंगी मैं पानी, और 5 से 10 मिनट में इसे ढककर पका लूंगी। और ये मेरी ग्रेवी वाली आलू दम की सब्ज़ी बनकर तैयार है। ये आप ज़रूर बनाइए और ज़रूर खाइए, बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी लगती है। पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताना, लाइक शेयर ज़रूर करना। बाय बाय दोस्तों।